हमारे प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश एक अजीब निवेश। 13 जनवरी 2022, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था। यिर्मयाह 32:8-9 तक। विजय केडिया एक मध्यम आय वाले परिवार से आते हैं। हालांकि शेयर बाजार में उनकी गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए वर्ष 2004-2005 में उन्होंने 3 कंपनियों में निवेश किया जो उस समय लोगों ने बेकार समझी थी। उनकी राय के बावजूद उन्होंने शेयर खरीदे। विजय का मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण रंग लाया। कंपनी के मूल्य की सराहना दशकों से चली आ रही मजबूत निवेश से 100 गुना से अधिक हुई है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वह ऐसा निवेश करे जो बिल्कुल ऊटपटांग निवेश जैसा प्रतीत हो। बिन्यामीन के देश के अनातोत में वह खेत मोल लेना। यिर्मयाह अध्याय 32:8। हालांकि यह खेतों को खरीदने का समय नहीं था। पूरा देश बर्बाद होने की कगार पर था। बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। 2 और यिर्मयाह ने जो भी खेत खरीदा वह जल्द ही बाबुल का होगा। जब सब कुछ जल्द ही खो जाने वाला हो तो कौन सा मूर्ख निवेश करता है? ठीक है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर को सुन रहा है, वह जिसने भविष्य का इरादा किया है और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर, खेत और दाख की बारियां फिर मोल ली जाएंगी। 15 प्रभु ने बर्बादी से ज़्यादा देखा। परमेश्वर ने छुटकारे, चंगाई और बहाली लाने का वादा किया था। प्रभु के लिए एक रिश्ते या सेवा में एक हास्यास्पद निवेश मूर्खतापूर्ण नहीं है। यह सबसे बुद्धिमान संभव कदम है जब प्रभु हमें इसे बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह आवश्यक है कि हम प्रार्थना पूर्वक यह जानना चाहते हैं कि निर्देश के पीछे वह है। प्रभु के नेतृत्व में दूसरों में एक मूर्खतापूर्ण निवेश दुनिया में पूर्ण रूप से उचित है। आपको कहाँ लगता है कि परमेश्वर आपसे किसी या किसी चीज़ में बेहुदा निवेश करने के लिए कह रहा है? इस कदम के लिए आपको परमेश्वर पर उन तरीकों से भरोसा करने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी जो मूर्खतापूर्ण प्रतीत होते हैं? प्रभु, यह अच्छी बात है कि आप भविष्य देखते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं केवल बर्बादी और आपदा देखता हूँ। मुझे दिखाइए कि कहाँ जाना है, कहाँ अपना जीवन देना है। लेखक विन कालियर, धन्यवाद।